नमस्कार, भूकुल सर YouTube स्टडी चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। डियर 10th क्लास, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और आप लोगों से उम्मीद मेरी और भी बहुत ज्यादा है। और लोगों को जोड़िए और लोगों को चैनल अपना सब्सक्राइब करवाइए। सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लास्ट लेक्चर तक आप लोगों ने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया था, और हम यहां पे आज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे जाने से पहले थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज हमने स्टडी की है। हमने अभी सबसे पहले स्टडी किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसमें हमने सीखा था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। और उनमें हम अलग अलग वेरियस पॉइंट्स हमने सीखे थे कि फोकस पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या है, साइन कन्वेंशन कैसे लेते होते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन। फिर हमने डिस्कस किए थे लीनियर मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझेंगे कि इसमें एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, इसके लिए हमें थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होती है रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो मैं आपको बता दूं, रेरर मीडियम हमने पहले डिस्कस किया है, डेंसर मीडियम ने डिस्कस किया है। तो एक बार शॉर्ट में हमने बता रहा हूं कि रेरर मीडियम से हमारा मतलब होता है कि ऐसा मीडियम जिसके अंदर पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स जो है गैप बहुत ज्यादा हो और डेंसिटी बहुत ही कम हो, ठीक है। ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं रेरर मीडियम। जबकि डेंसर मीडियम हमारा एक ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स गैप जो है बहुत कम होता है और डेंसिटी हाई होती है, उसको हम डेंसर मीडियम कहेंगे। तो यहां एक्चुअल में क्या होता है कि लाइट वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाएगी, ठीक है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट जो है अपना पाथ चेंज करती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ को चेंज करती है। किस तरीके से चेंज करती है ये अभी हम फिगर से समझेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रीवियस वीडियोस अगर मेरे देखने हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हम यहाँ पे 9 से 12 तक डिटेल फिजिक्स कर रहे हैं विदाउट स्किपिंग एनी टॉपिक। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, और जितने भी रिलेटिव हैं जो भी एंड्रॉइड फोन रखता हो, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इसका फायदा आप लोगों को होगा, क्योंकि मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आपके चाहे कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, जो भी बोर्ड है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं, अगर मेरे लेक्चर अच्छे से आपने अटेंड किए हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चंस की भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं यहां पे। तो आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ग्रो करवाने में आप हेल्प कीजिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छी वीडियो बना करके लेके आता हूं आप लोगों के लिए। चलो बात कर लेते हैं अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So refraction of light, it is defined as the phenomena of light that it changes its path when it goes from one medium to another medium. That means light जब भी एक medium से दूसरे medium में जाएगी तो वो अपने path को change करती है। इस phenomena को हम क्या बोलते हैं, refraction of light बोलते हैं। जैसे कि आप figure में देख पा रहे हो, ये मैंने एक interface बनाया। Interface से मतलब है एक ऐसा medium या एक ऐसी, हम ये कह सकते हैं, लाइन जो हमारे दो मीडियम को सेपरेट करती है। तो ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम है। तो एक्चुअल में यहां पे क्या हो रहा है, एक इंसिडेंट रे आकर के इस इंटरफेस पे आकर के स्ट्राइक कर रही है, और ये लाइट जो है जिसको जाना कैसे चाहिए था, इसको एक्चुअल में जाना चाहिए था ऐसे, जो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ था वो ये था, लेकिन ऐसे ना जा करके ये थोड़ा सा बेंट हो गई, ठीक है, ये थोड़ा बेंट हो गई। इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप जरा देखिए कि यहां पे लाइट जो आई थी उसको जाना इस तरीके से चाहिए था, लेकिन जैसे ही डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो ये लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है, और इस लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट। और ये आई हमारा इंसिडेंट एंगल है, आर हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है। मैं सारी टर्म्स को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार डिफाइन कर देता हूं, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना आए। इंसिडेंट रे, दैट मींस द रे विच इज गोइंग टू स्ट्राइक द इंटरफेस, ठीक है, उसको हम इंसिडेंट रे कह सकते हैं यहां। और रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है, दैट मींस द रे विच आर कमिंग फ्रॉम द इंटरफेस,
आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद जो रे आ रही है इंटरफेस से, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। और जो हमारा इंसिडेंट एंगल है उसको कैसे डिफाइन करें, दैट मींस द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और रिफ्रैक्टेड एंगल किसको कहेंगे, दैट मींस इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, सो इसको हम रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। जैसे आपने समझा था किसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, लेकिन यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे क्या है, फिर यहां कुछ और रूल लगता होगा, वो रूल हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो यहां पे अराइज हो रहा है वो ये है कि रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, व्हाई इट हैपेंस, ठीक है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्यों हो रहा है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन क्यों हुआ था, प्लेन सरफेस था उससे लाइट आकर के टकरा रही थी और लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो उसका क्या मेन रीजन था, मैंने आपको बताया था कि वहां पे जो कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था वो था प्लेन सरफेस, और यहां कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यहां जो है वो ध्यान से समझो, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी, इट चेंजेस इट्स स्पीड, ठीक है, यानी वो अपनी स्पीड को या वेलोसिटी को कह सकते हैं कि चेंज करती है, जिसके चलते जो है यहां रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे, तो आप इसको लिख सकते हो द मेन काज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is the change of speed of light when it goes from one medium to another medium, okay। तो यानी लाइट की स्पीड जो है चेंज होती है जिसके चलते ऐसी प्रोसेस हुई, ठीक है। अब ये क्यों हुआ ये चीज एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मैं बता देता हूं कि बेंडिंग का क्या रूटीन है, ये बेंडिंग कैसे हो रही है, लाइट जो है अपने पाथ को चेंज किस तरीके से कर रही है, उधर करेगी या इधर करेगी, नॉर्मल की तरफ होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, इसको भी समझते हैं। इसके लिए हम एक फिगर की हेल्प से समझेंगे। हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो मैंने डेफिनेशन दी है इसको हम चाहे तो एक दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए हमारा ये इंटरफेस है और सपोज करो एक इंसिडेंट रे यहां आ रही है और ये हमारा हो गया नॉर्मल, ठीक है। लेट्स सपोज ये बेंट हुई टुवर्ड्स दी नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई, तो इसका मतलब ये हमारा जो जिस मीडियम के अंदर ये एंटर कर रही है वो मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम है, और जहां से आई है वो कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है, ओके। दूसरा केस बात कर लेते हैं, अगर लाइट हमारी बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है, ठीक है, ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी, तो इसका मतलब ये मीडियम कौन सा है हमारा, ये है रेयर मीडियम और ये था डेंसर मीडियम। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहां हुआ क्या है इसको भी समझेंगे, लेकिन अब मैं एक बार एक और डेफिनेशन बता देता हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। देखिए बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और बेंडिंग ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम is called refraction of light। ठीक है, पॉइंट मिल गया होगा। मतलब हमने क्या कहा कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है और अगर वो बेंट होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, या फिर बेंडिंग ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
चलो ये तो डेफिनेशन हो गया, हम बात कर रहे थे कॉज ऑफ रिफ्रेक्शन में। मैंने कहा कि स्पीड चेंज करने से, लाइट की स्पीड चेंज होने से वो अपना पाथ चेंज करती है। मेरे ख्याल से आप सबने जो है किसी न किसी तरीके से पत्थर को जरूर थ्रो किया होगा। जब हम एक पत्थर को, एक स्टोन को थ्रो करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही हम उस पत्थर को थ्रो करते हैं तो धीरे धीरे उसका पाथ जो है कुछ कर्व में होता चला जाता है। क्या वो हमेशा सीधा ऐसे चलता रहेगा अगर हमने ऐसे ही थ्रो किया? नहीं। क्यों नहीं करता ऐसा? क्या वजह है उसकी? क्योंकि एक्चुअल में उसकी स्पीड डिक्रीज होती जा रही है, एयर का फ्रिक्शन है उसके अगेंस्ट और ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही है जिसके चलते उसका पाथ चेंज हो रहा है। अच्छा, लाइट में ऐसा क्या हुआ इसको समझने के लिए मैं एक फिगर की हेल्प से आपको समझा देता हूं। देखिए, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, ये मीडियम जो है आप देख पा रहे हो रेडियल मीडियम, क्योंकि मैंने रेडियल मीडियम कैसे डिफाइन किया था कि इनमें जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर है, ठीक है, रेरिफाइड है, गैप उनमें ज्यादा है। लेकिन डेंसर मीडियम है तो उसमें क्या है, पार्टिकल्स काफी क्लोज क्लोज है, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही लाइट इसमें से आएगी इसमें डेंसर मीडियम में, तो लाइट को क्या करना पड़ता है, कोलिजन करना पड़ता है डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स के साथ में। जब वो कोलिजन करेगी, कोलिजन वहां पे अब ज्यादा हो गए, पहले कोलिजन कम हो रहे थे, अब कोलिजन ज्यादा हो गई, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जब स्पीड डिक्रीज होगी तो वो बेंट होगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। समझ आया? इसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि एक स्टोन को हम थ्रो करते हैं एयर में, तो एयर एक रेयर मीडियम है, जबकि वाटर जो है एयर के कंपेयर में डेंसर मीडियम है। वाटर के अंदर आप पत्थर फेंकोगे तो वो नॉर्मल की तरफ ज्यादा बेंट होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी लाइट एक रेयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में जाती है और वो जितना ज्यादा बेंट होगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो ये दिमाग में सेट कर लेना कि वो मीडियम जो है उतना ही ज्यादा डेंसर है और उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उतना ही ज्यादा है, ठीक है। ये चीज दिमाग में सेट करके रखना। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, यहां पे क्या है, अब डेंसर में यहां उल्टा है, यहां पे पार्टिकल्स ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां कोलिजन, कहने का मतलब ज्यादा हुए होंगे, ठीक है, यहां कोलिजन क्या हुए होंगे, ज्यादा हुए होंगे। लेकिन जैसे ही ये लाइट जो है इस मीडियम में आती है रेयर मीडियम में, इसके कोलिजन होना कम हो जाता है, ठीक है, इसके कोलिजन होना कम हो जाता है। अब कोलिजन कम होंगे तो ये क्या करती है, अपनी नॉर्मल स्पीड में आने की कोशिश करती है और ये बेंट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल स्पीड मतलब स्पीड बढ़ गई, लेकिन बढ़ने का मतलब ये है कि उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी वैक्यूम के अंदर, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर, हम तकरीबन लेते हैं 3×10⁻¹⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट यूज करते हैं हम वैक्यूम के लिए, तो इसके करीब जाने की कोशिश करती है। ये नहीं है कि इससे ज्यादा हो जाएगी, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती, मैक्सिमम स्पीड है ये स्पीड ऑफ लाइट की, ठीक है, और जो कि वैक्यूम के अंदर होती है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो पाथ चेंज क्यों करती है, क्यों करती है, वेरी गुड, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज होती है। और स्पीड चेंज क्यों हुई, क्योंकि जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट के कोलिजन जो है चेंज हो जाते हैं, कोलिजन कम या ज्यादा होते हैं किसके साथ में, मीडियम के पार्टिकल्स के साथ में, जिसके चलते ऐसा कुछ हुआ। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलो हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी चेंज होती है, अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए मेनली हम कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, एक तो है स्पीड, स्पीड कह दीजिए या वेलोसिटी कह दीजिए, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक स्पीड हो गया, ठीक है, इसके अलावा वेवलेंथ हो गई, ठीक है, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, और क्या हो सकता है, फेज हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, ठीक है, ये कुछ होती हैं। मेनली आपसे घुमा फिरा के जो पूछता है वो इन पे पूछता है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं। अच्छा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो आपको पता है कि स्पीड तो चेंज होती ही होती है, अभी आपको ये पॉइंट मिल गया।
तो व्हाट अबाउट दी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज होती है या नहीं होती है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो देखिए उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता। देयर इज नो चेंज इन इट्स फ्रीक्वेंसी बट वेवलेंथ चेंजेस। क्या चीज चेंज होती है? वेवलेंथ, ठीक है, बट वेवलेंथ चेंजेस, ठीक है, वेवलेंथ जो है डेफिनेटली चेंज होगी। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो इन तीनों में से कौन कौन सी चीज चेंज हो रही है? एक तो स्पीड, दूसरी हमने कहा वेवलेंथ, देयर विल बी नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, लाइट की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ लाइट, उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। एच यहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब इसकी तो वैल्यू पे कोई डिपेंड नहीं करती हमारी एनर्जी। और न्यू क्या है, ये आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। और हमने कहा जब भी मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब एनर्जी चेंज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वेरी गुड, एनर्जी चेंज नहीं होगी, एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, एनर्जी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, चेंज क्या होगा? स्पीड और वेवलेंथ, ठीक है। फेज में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एक और वर्ड आता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, जब तक वो आपको क्लियर नहीं होगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे हम कैसे बात करें। इंटेंसिटी से मतलब होता है नंबर ऑफ रेज फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, नंबर ऑफ रेज फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो रेज जैसे ही इस मीडियम पे फॉल करती कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। एग्जैक्टली सारी की सारी लाइट अंदर तो नहीं जाएगी, डेंसर मीडियम में नहीं जाएगी, यानी दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे आपने देखा कि वाटर के सरफेस पे लाइट अगर गिर रही है तो कुछ रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, कुछ अंदर चली जाती है। जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो एक्चुअल में क्या है, अंदर नहीं जा पाई, तो यहां जो लाइट पहुंची है उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। उसकी इंटेंसिटी क्या हुई? डिक्रीज हुई। समझ आया? मैंने यहां पे वर्ड यूज किया इंटेंसिटी, इसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ रेज पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एक डेफिनेशन तो ये है। और दूसरी डेफिनेशन ये कह सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये तो था रिफ्लेक्शन का जनरल आप लोगों को जो पॉइंट मिला होगा। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉज कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली दो लॉ है जिसको हम रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ नाम से जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ जो है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। यानी जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये एक ही प्लेन के अंदर आती है। मतलब एक प्लेन हमारा, जैसे ये बोर्ड मेरा एक प्लेन हो गया, इसी प्लेन के अंदर आएगी। ऐसे नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे ये है, ये नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे हो जाए। मतलब एक ही प्लेन के अंदर होगी, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ जो है ये थोड़ा सा टफ लगेगा आप लोगों को, क्योंकि अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फिर भी आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। एक्चुअल में क्या है कि ये जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट इज कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया. मीडिया मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम. ठीक है, दो मीडियम है यहाँ पे. इन मीडियम का जो पेयर है इनके लिए हमने कहा है. अगर ये मीडियम चेंज कर दोगे तो इनका जो रेशियो है वो भी चेंज हो जाएगा. ये क्या चीज है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. हम पहले भी पढ़ चुके हैं हमारा क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है. ठीक है, ये हमारा क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका है? इस मीडियम का, इस मीडियम के रिस्पेक्ट में. ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट. क्योंकि कलर अगर लाइट का चेंज हो जाएगा तो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा. ठीक है, उसकी वेवलेंथ बदलेगी, वेवलेंथ चेंज होने से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा. तो आपको क्या याद रखना है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इन ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया. दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ. इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं. तो इसको कैसे लिखते हैं, अभी ये तो आप लोगों ने लिख लिया, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है. मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाके समझा देता हूं. अगर सपोज करो हमारा ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. ये जिसको क्लियर नहीं है वो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए पहले, जिसमें मैंने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट क्लियर किया था. तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर. ठीक है, ये लिख सकते हैं. इसके अलावा आप लोगों को इसके लिए मैं कैसे, अगर ये चीज याद नहीं रहती कि कैसे लिखें, हो सकता है लाइट यहां से इधर की तरफ जा रही हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे यूज करें इस लॉ को. तो एक और तरीका है, इससे भी आसान तरीका जो आपको याद रखना है. देखो भाई क्या करना है कि जैसे ये मीडियम है, इस मीडियम का सपोज करो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इन्होंने दे दिया N1, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2. ये कौन सा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट. जब अकेला N1 लिखा है N2 लिखा है तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम. अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का उसी मीडियम में एंगल साइन ऑफ एंगल इज इक्वल्स टू दूसरे मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल वहां का. क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब देखो आप इसको ये भी लिख सकते हो, साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर, और ये इधर क्या बन जाएगा, N2 डिवाइड बाय N1. ठीक है, N2 डिवाइड बाय N1. और अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखा है तो आपको ये पता चल गया होगा, N2 डिवाइड बाय N1 क्या होता है, ये होता है हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. ठीक है, तो ये स्नेल्स लॉ ही है. इस तरीके से भी बना सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ये था लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन. और मेरे ख्याल से आपको मेरा लेक्चर जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. मैं इन पे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप लोगों को इकट्ठा करवाऊंगा. ठीक है, पहले तो मैं चाह रहा था कि जो हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट था उनपे अलग से न्यूमेरिकल बताना चाह रहा था, लेकिन मुझे पता है कि न्यूमेरिकल में कई बार जो है ये कंसेप्ट साथ में दे देता है तो हमें प्रॉब्लम होती है. तो साथ में ही जो है अगर ये टॉपिक हमारा क्लियर है तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी न्यूमेरिकल में. एक और चीज यहाँ पे आपको, ये जो है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है इसको और किस तरीके से लिख सकते हो, इसमें अगर सपोज करो वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 है, इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट v2 है, इस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 है और इसमें आने के बाद लाइट की वेलोसिटी v2 हो जाती है, तो हम जिस मीडियम से आ रही है ठीक है उसके ही v1 डिवाइड बाय जिस मीडियम में जा रही है उसके अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी, ये ऐसे रेशियो बना सकते हैं. ठीक है, इसके इक्वल भी होगा. अगर आपको लाइट का रेशियो पता है तो भी निकाल सकते हो. अगर ये N1 2 हो जाए, यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड हो जाए, उल्टा कर दें तो ये v2 डिवाइड बाय v1 हो जाएगा. ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर. इसको पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए, नोट्स अपने जरूर बनाइए. जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फाइनल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में ये टॉपिक्स जो है आपको एज इट इज मिलेंगे. और जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो भी आप बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे वो तभी कर पाओगे जब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो. ठीक है, तो इनको अच्छे से सुनिए और बहुत अच्छे से अपने सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए और उनके हेल्प से जितने भी क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो वो जरूर कीजिए.
ठीक है, जो भी लेक्चर हमारा हो जाता है उसके बाद में क्वेश्चंस जरूर करके देखो कि हम इन पे बेस क्वेश्चन हमें समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो मैंने आपको बता रखा मेरी व्हाट्सएप पे मुझे आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, ठीक है, 9896530903 पे मुझे कॉल कर सकते हो, सो दैट कि आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल में सब्सक्रिप्शन इंक्रीज कीजिए, जहां कहीं पे भी आप जाते हो, दोस्त के साथ खेलने जा रहे हो, किसी के पास बैठे हो, उनको कहिए कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। भुक्कल सर नाम से अभी चैनल का नाम जो है क्या हो गया है, BHUKAL भुक्कल सर, ठीक है, पहले स्पेस नहीं था, मैंने स्पेस दे दिया क्योंकि मोस्टली जो है इसको सर्च कर रहे थे तो मैंने यही बना दिया है, ठीक है। तो आप इसको ये सर्च कीजिए और जाके वहां पे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देख रखे हैं वो दोबारा से रिवाइज जरूर कीजिए, पीछे के सारे लेक्चर्स को रिवाइज जरूर किया करो, ठीक है। तो YouTube पे डालने का ये भी फायदा है कि आप बार बार मेरे लेक्चर को अच्छे से देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि कम से कम हर स्टूडेंट जो है 5-5, 10-10 बच्चों को और सब्सक्राइब करवाए, ठीक है। चैनल नो डाउट हमारा बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है और बहुत मुझे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन और भी कर सकते हो, आपकी मेहनत रंग लाएगी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।